हेलो गाइस, तो कैसे आप सब जरूर कमेंट करके बताइएगा। हाई हाई करके लिख दीजिए, इसी में मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग कैसे हैं। तो चलिए आज का वीडियो को शुरू करते कि बट आज का वीडियो है क्या। हाँ, आज मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी अपना हेयर टिप्स, वो भी एक सीक्रेट वाला, कि मैं क्या अपना हेयर में यूज़ करती हूँ। इतना शाइन, इतना खूबसूरत, इतना स्मूथ सिल्की हेयर कैसे होता है? ऐसा तो कुछ है नहीं जो जैसे तैसे हो गया, ऐसा कुछ होता नहीं है। मेरा हेयर का कलर कैसे रहता है ऐसा? मेरा हेयर इतना सिल्की एंड शाइनी कैसा है? बस कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है ना। हाँ, होम रेमेडी करती हूँ, कभी कभार बाहर का मार्केट वाला प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, जो कि करना भी पड़ता है कभी कभार टाइम की वजह से। बट ज़्यादातर मैं होम रेमेडी यूज़ करती हूँ। तो जो भी यूज़ करती हूँ आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो इस वीक में मैं अपना हेयर में एक ट्रीटमेंट करने जा रही हूँ। ऐसे पहले भी मैं की हूँ ये सब ट्रीटमेंट, मेरे फैमिली मेम्बर मतलब मेरे बेटा को भी अप्लाई की हूँ, बेटा पे भी मैं अप्लाई की हूँ ये वाला ट्रीटमेंट, अच्छा वर्क किया है। हस्बैंड पे अप्लाई की हूँ, अच्छा वर्क किया है। मैं खुद तो करती हूँ, बट ये जो टिप्स क्या है तो आप सबको भी बताना है, ताकि आप सब में भी कुछ ना कुछ तो हेयर प्रॉब्लम है ही। किसका किसका हेयर प्रॉब्लम है, मेरे जितने भी जो भी छोटा सा कम्युनिटी है मेरा, उनमें से किस किस का हेयर प्रॉब्लम है प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो ज़रूर मैं देखूँगी किस किस का हेयर प्रॉब्लम है, कमेंट ज़रूर मैं पढ़ूँगी। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप में से किस किस का हेयर प्रॉब्लम है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो ज़रूर होगा, किसी का हेयर फॉल, किसी का फ्रिज हेयर, किसी का थिन हेयर, किसी का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, है ना। तो तब मुझे पता चलेगा, उस रिलेटेड मैं आप सबके साथ कंटेंट बनाऊंगी, उस रिलेटेड आप सबके साथ वीडियो शेयर करूंगी, ठीक है। तो मेरा बेटा पे अप्लाई हो गया है, हस्बैंड पे अप्लाई हो गया है, मैं भी अप्लाई कर चुकी हूँ। वो सीक्रेट टिप्स क्या है वो तो मुझे बताना है ना आप सबको। तो चलिए आज की वीडियो में वही बताऊंगी। वीडियो में बने रखना है, स्किप नहीं करना है, ताकि स्किप जैसे करोगे ना तो वैसे कुछ ना कुछ टिप्स छूट जाएगा। स्किप नहीं करना है, वीडियो में बने रहना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है, और इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि मुझे इतना तो पता है, हम सबको पता है कि अभी के लाइफस्टाइल में सबका 99% लोगों का हेयर प्रॉब्लम है। ये तो मुझे पता है, ये कोई बोलो या ना बोलो, बट 99% लोगों का हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसीलिए इस वीडियो को जरूर शेयर करें, कुछ ना कुछ किसी को ना किसी को तो कुछ ना कुछ टिप्स मिलेगा ना, है ना, मिलेगा ना। तो इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, बहुत बकबक कर चुकी हूँ, अभी मेन टॉपिक में आते हैं। हेयर तो मैं अच्छे से टैंगल फ्री कर ली हूँ, ऑलवेज मेरा हेयर रहता ही है ऐसा। कभी कभार बेटा जब मेरा थोड़ा सा हेयर खींच देगा तब थोड़ा हेयर फॉल हो जाता, बट अदरवाइज मेरा हेयर टचुट ऐसा ही रहता है। तो काफ़ी अच्छा लॉन्ग हो गया है। तो अभी जो पूजा आ रहा है, दुर्गा पूजा, गणपति आएगा, गणपति के बाद पूजा आएगा दुर्गा पूजा, तो उस टाइम ना मैं सोच रही हूँ अपना हेयर कट कराऊंगी। आप में से किस किस को मेरा हेयर कट वीडियो देखना है कमेंट कीजिएगा प्लीज़, तभी मैं वीडियो बनाऊंगी हेयर कट का, जस्ट जोकिंग। तो चलिए आज का वीडियो को स्टार्ट करते। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपसे बहुत ही एक जरूरी टिप्स शेयर करने वाली हूँ, एकदम ही होम रेमेडी, और जिसके लिए जिस एक चीज का जरूरत है, सिर्फ एक चीज का, वो क्या है, थोड़ा सा टाइम। क्योंकि जो टिप्स मैं बताऊंगी उसको तो रेडी भी करना है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस थोड़ा सा, 5 मिनट, बस उसी में हो जाएगा। आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और ज़्यादा प्रोडक्ट की ज़रूरत भी नहीं है, जस्ट एक ही प्रोडक्ट और 1 मिनट, बस इसमें ही हो जाएगा आपका पूरा टिप्स रेडी, पूरा ट्रिक्स रेडी हो जाएगा, और आपका हेयर जो है एकदम खूबसूरत हो जाएगा, जस्ट लाइक मी। सो ये ग्लिसरीन, जी हाँ दोस्तों, ग्लिसरीन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके स्किन के लिए भी अच्छा है और हेयर के लिए भी अच्छा है। आज का वीडियो कैसा लग रहा है आप सबको कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप सबको अच्छे से बात करते हुए वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, कोशिश करूँगी तभी ना सीखूँगी, इसलिए कोशिश कर रही हूँ। तो ये आज का टॉपिक है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन से आप अपना स्किन केयर कर सकते हैं, हेयर केयर कर सकते हैं। स्किन का बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स है जो आगे मैं आपको बताऊंगी,
चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आगे वीडियो आएगा स्किन रिलेटेड और हेयर रिलेटेड भी बहुत सारा ऐसा बेनिफिट्स है जो आगे आपको धीरे धीरे पता चलेगा। बट आज एक टिप जरूर शेयर करूंगी जो कि ग्लिसरीन से, जिससे बहुत अच्छा फायदा होगा। आपका फ्रिजी हेयर है, आपका ड्राई हेयर है, आपका थिन हेयर है, आपका डल हेयर है, आपका डैंड्रफ है, सारे प्रॉब्लम का एक ही नुस्खा ये ग्लिसरीन। कैसे वो मैं बता रही हूँ। सबसे पहले मुझे लेना है ग्लिसरीन, यहाँ पर चम्मच है, बॉल है, एक चम्मच ग्लिसरीन लेना है, अपने लेंथ के अकॉर्डिंग लेना है। मेरा मिडिल लेंथ है तो एक चम्मच मैंने ले लिया। अगर आपके बहुत ज़्यादा लॉन्ग हेयर है तो आपको दो तीन चम्मच तो लग ही जाएंगे। और अगर कोई बॉयज़ लगा रहे हैं, बॉयज़ का भी तो डैंड्रफ प्रॉब्लम होता है ना, ज़्यादा होता है बॉयज़ का ही। हाँ, मेरा हस्बैंड का भी बहुत डैंड्रफ प्रॉब्लम था, बट अभी वो नहीं है, अभी हट गया है ये सब ट्रीटमेंट करने के बाद। तो बॉयज़ लोग लगाएंगे थोड़ा सा, एक चम्मच लेने से बॉयज़ लोग का हो जाएगा। तो एक चम्मच ले ली हूँ मैं ग्लिसरीन। ओके, इसको ना खाया भी जाता है, आपको पता है मैं जब बचपन में ना, मुझे ना बहुत कान दर्द देता था, बहुत ज़्यादा पेन होता था बचपन में कान दर्द टच। तो ना मम्मी क्या करती थी, ग्लिसरीन ना कान में देती थी। ग्लिसरीन में क्या होता है, गर्म जो ग्लिसरीन बहुत ज़्यादा वार्म होता है, तो ना कान जब पेन होता है ना, आपको ये वाला टिप्स मैं दे रही हूँ मेरे मम्मी का, तो कान में जब दर्द होगा ना, बच्चों का होता है, बड़े का कभी कभार होता है, तो मेरा ना बहुत ज़्यादा होता था। तो उस टाइम ना दर्द के टाइम पेन जब होता था तो ऐसे ग्लिसरीन दे देती थी मम्मी, थोड़ा देर ऐसे करके मैं रखती थी ना, बस उससे ना बहुत रिलीफ मिलता था। तो ये वाला टिप्स जरूर अप्लाई करके देखिएगा, ये मेरा मम्मी का टिप्स है। तो ग्लिसरीन ले ली हूँ, ना खाने में बहुत टेस्टी होता है, एकदम स्वीट स्वीट मैं खाती भी थी बचपन, अभी नहीं खाती हूँ, बचपन में खाती थी। और आपको लेना है एकदम रॉ ग्लिसरीन, हाँ ऐसा वाला एकदम प्लेन जो बॉटल आता है ग्लिसरीन का, रॉ ग्लिसरीन लेना है, मिक्सचर नहीं, हाँ मिक्सअप नहीं, रॉ ग्लिसरीन लेना है एक चम्मच। देन इसमें मिलाना है एक चम्मच पानी। तो अभी ना मेरे पास फिलहाल रोज वाटर जस्ट खत्म हो गया है, अभी जस्ट मैं ऑर्डर की हूँ, आने ही वाला है, खत्म हो गया है, इसलिए रोज वाटर नहीं दे रही हूँ। अदरवाइज पानी की जगह आप रोज वाटर दे सकते हैं, अगर आपके पास रोज वाटर अवेलेबल है। क्या मैं बोल रोज वाटर नहीं रोज वाटर अगर आपके पास रोज वाटर अवेलेबल है तो आप रोज वाटर दीजिएगा। अदरवाइज एप्पल साइडर विनीगर दे सकते हैं, अगर आप एप्पल साइडर विनीगर रखते हो घर पे, मेरा था खत्म हो गया। तो जो भी है, क्या रोज वाटर भी खत्म हो गया, एप्पल साइडर विनीगर भी खत्म हो गया, जो भी है खत्म तो होता ही है ना, तभी तो ऑर्डर करते हैं, जो भी है। तो आज का वीडियो थोड़ा सा फनी फनी टाइप का लग रहा है। तो एक चम्मच पानी, एक चम्मच ग्लिसरीन, बस इसको अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स करना है। इतना सिंपल टिप्स मैं बता रही हूँ, बस और कुछ नहीं, चम्मच को हटा देना है, इसमें कॉटन बॉल दे दीजिए, कॉटन बॉल डिप कर लीजिए, नहीं तो अदरवाइज फिंगर टिप से आपके हेयर के रूट में इसको हल्के हल्के हाथों से मसाज करना है। ग्लिसरीन इज गुड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ हेयर, ग्लिसरीन सारे टाइप के हेयर के लिए काफ़ी अच्छा होता है, फ्रीजनेस दूर करती है, कर्ली हेयर की अगर प्रॉब्लम है उसको ठीक करती है, हेयर स्ट्रेटनिंग का काम आता है, हेयर शाइन होता है, लॉन्ग होता है, थिक होता है, और नए बाल प्रमोट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और ग्लिसरीन में सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है, डैंड्रफ की अगर प्रॉब्लम है आपको तो डैंड्रफ की प्रॉब्लम में भी बहुत राहत मिलती है, काफ़ी अच्छा एक एक रेमेडी होता है इसका, जो मैं आगे आपसे शेयर करूँगी। इसलिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले का नोटिफिकेशन आपको मिले। और इसी तरीके से मैं पूरे ग्लिसरीन को अपने हेयर में अच्छे से अब्सॉर्ब करा दूँगी विथ मसाज, जो पूरे रूट में ये अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाएगा, देन इसका रिजल्ट आपको नेक्स्ट डे मिलेगा। ऑयली ऑयली टाइप का दिख रहा है हल्का सा, क्योंकि मैं ग्लिसरीन लगाई हूँ, बट ये ऑयली नहीं दिखेगा, थोड़ा सा अब्सॉर्ब जो हो जाएगा ना, तो कॉम कर लेंगे ना तो बहुत अच्छा सा सिल्की हेयर होगा, है ना, एकदम यहाँ पर लगा सकते हैं, क्योंकि ये वाला जगह में आपको मॉइस्चर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं पर ना ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेडिंग की प्रॉब्लम होती है। देखिए मेरा नहीं है, मेंटेन करती हूँ इसीलिए। तो इस तरीके से पूरे हेयर के स्कैल्प पे आपको
ग्लिसरीन लगा देना है, देन आपके हेयर टेल के भी टेल में भी लगा लेना है ग्लिसरीन, ठीक है। और उसके बाद आपको हल्के हल्के हाथों से कॉम करना है ताकि जो थोड़ा सा नॉट्स लग गया है मसाज करते टाइम वो ठीक हो जाए। जिस तरह से हाथों से कॉम कर लेना है, ये जैसे जैसे एब्जॉर्ब होगा ना वैसे वैसे आपका हेयर जो सिल्की हो जाएगा, ये एकदम ऑयल के जैसा चिपचिपापन नहीं होता है। हाँ, इसको मैं रात को इसलिए लगाई हूँ ताकि रात भर एब्जॉर्ब करे हेयर में, और नेक्स्ट मॉर्निंग मैं इसको शैम्पू कर दूंगी। इसका बहुत, देखिए लग रहा है आपको, देखिए देखिए कितना सुंदर हेयर हो गया है, एकदम सिल्की सिल्की शाइनी हेयर, तो अच्छा लग रहा है ना। तो इस तरीके से वीक में, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वीक में एक दिन इसको ट्राई कीजिए। अगर आपका बहुत ज़्यादा फ्रीजी हेयर है, आपका हेयर में डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, तो इसको आप वीक में दो टाइम यूज़ कीजिए, दो बार यूज़ कीजिए। जैसे मैं, मेरा डैंड्रफ का प्रॉब्लम नहीं है टचुट, सो मैं वीक में एक बार यूज़ करती हूँ ताकि डैंड्रफ ना हो इसीलिए। हाँ, और जैसे मेरा बेटा को रिसेंटली डैंड्रफ प्रॉब्लम हुआ था तो उसको मैं वीक में दो बार तीन बार करके दे रही थी। मेरा 4 इयर्स का बेटा, उसको भी मैं देती हूँ ये सब रेमेडी, तो इसीलिए आप बेफिक्र इस सब रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो आप एक बार पैच टेस्ट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। बट मेरा बेटा को मैं देती हूँ इसलिए मैं बोल रही हूँ, और मेरा हस्बैंड भी ट्राई करते हैं, तो इसीलिए उन दोनों को मैं वीक में दो या तीन बार देती हूँ, क्योंकि उन लोगों का डैंड्रफ का प्रॉब्लम था इसीलिए, अभी ठीक हो गया है। बट मेरा नहीं है इसलिए मैं एक बार यूज़ करती हूँ, क्योंकि ताकि ना हो। डैंड्रफ कैसे होता है वो तो पहले जानना है ना, किस लिए डैंड्रफ होता है। अगर आपके हेयर गंदे है, अगर आपके हेयर डर्ट बैठा हुआ है, स्कैल्प पूरा जो है ना, स्कैल्प में आपका डर्ट पूरा बैठा हुआ है, एक धूल, जब हम लोग बाहर का धूल एब्जॉर्ब होता है स्कैल में पूरा बैठ जाता है, तभी ना हम लोग को ईचीनेस का प्रॉब्लम होता है। जैसे हम ईचिंग करते हैं ना, वैसे ना थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे होकर सेल निकलता है, उसी से हो जाता है डैंड्रफ। तो इसीलिए कोशिश कीजिएगा, हमारे जैसे स्किन को हम लोग साफ रखते हैं ना, कोशिश कीजिएगा हेयर को भी साफ रखना है। अगर आपके हेयर मतलब ये हेयर नहीं, हेयर के स्कैल्प को, रूट आप जितना अच्छे से साफ रखेंगे ना, मतलब हेयर वॉश आप अपना हेयर में स्वेटिंग को बैठने मत दीजिए, आपके हेयर में डर्ट बैठने मत दीजिए, इसलिए हमेशा हेयर वॉश कीजिए, हेयर ऑयलिंग कीजिए, ढेर सारा पानी पीजिए, पानी का क्वांटिटी ज़्यादा करना है। अगर आप एडल्ट हो तो आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना है। अगर आप, जैसे मेरा बेटा को मैं सारा दिन में 1.5 लीटर पानी पिलाती हूँ, 4 इयर्स का बेटा है, 1.5 लीटर तक पानी मैं उसको पिलाती हूँ, कोशिश करती हूँ पिलाने की, और मैं खुद 4 लीटर पानी पीती हूँ। तो 3 से 4 लीटर आपको पानी पीना है। जितना पानी आप पीजिएगा ना, उतना आपका स्किन एंड हेयर ग्लो करेगा। जैसे मेरा जो हेयर में ना, सही में मैं बता रही हूँ, जस्ट ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ, मेरा हेयर में ना, मैं कोई भी ऐसा कुछ प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती हूँ जो मेरा हेयर में शाइन आए। शाइन के लिए मैं कुछ भी नहीं यूज़ करती हूँ। हाँ, तो इसीलिए शाइन आपका अंदर से आएगा, आपका बॉडी का अंदर अगर आपका फुलफिल सब कुछ अच्छा से रहेगा ना, तो बाहर से निकलेगा ग्लो। तो अगर आप बहुत ढेर सारा पानी पीते हैं, पानी वाला सब्जी खाते हैं, पानी वाला फ्रूट्स खाते, हर एक टाइप से पानी को इंटेक्ट करते हो, फ्रूट्स के थ्रू, वेजिटेबल के थ्रू, ऐसे नॉर्मल पानी, वाटर वाला जो लिक्विड चीज़ जो है, लिक्विड चीज़ को ज़्यादा इंटेक्ट करते हो, तो उससे आपका जो है ना बाहर से ग्लो निकलता है, आपका स्किन भी ग्लो करेगा, शाइन होगा, नेचुरल शाइन विदाउट क्रीम, और हेयर भी नेचुरल शाइन आएगा विदाउट कोई भी मास्क। हाँ, तो ऐसे ही शाइन आता है। तो प्रोडक्ट अगर हम यूज़ करते हैं कुछ देर के लिए शाइन रहता है, बट अगर आपका अंदर से सेहत ठीक रहे, हेल्दी लाइफस्टाइल रहे, हेल्दी सब कुछ रहे ना, तो आपका हेयर भी हेल्दी होगा, स्किन भी हेल्दी होगा। तो ये रहा मेरा कुछ टिप। हेल्दी खाना है मतलब ऐसा नहीं है जो हमेशा घास फूस सब्जी ये सब खाए, कुछ ना कुछ कभी कभी अनहेल्दी भी खाने का मन करता है, मैं भी खाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं खाना है, अनहेल्दी खा ही नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है। बट कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी फूड लेने का। अगर आप कुछ आज रिच खा ले रहे हो तो नेक्स्ट
डे आपको थोड़ा सा लाइट में जाना है, ऐसे करके आपका बॉडी को मेंटेन करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका लाइफस्टाइल हेल्दी हो सकता है, और आपका लाइफस्टाइल हेल्दी होगा तो आपका हेयर एंड स्किन भी हेल्दी रहेगा। तो ये रहा मेरे तरफ से ऑनेस्टली हेयर के लिए, स्किन के लिए टिप्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर इस वीडियो में कुछ भी छूट गया हो, अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा जो आपको कैसा लगा, नहीं लगा, और भी क्वेरी रहा तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आंसर ज़रूर दूंगी। और नेक्स्ट और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ आप सबके लिए, मैं अच्छा कंटेंट बनाने के लिए कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको कुछ हेल्प मिले, स्किन हो, हेयर हो, कुछ भी जो भी है, मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करती हूँ, वो चाहे स्किन रिलेटेड हो या हेयर रिलेटेड हो या पेरेंटिंग जर्नी हो, कुछ भी हो मैं शेयर करती हूँ। आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। आगे अच्छे से अच्छे, इतना अच्छा अच्छा मैं टिप्स देती हूँ, एक बार फॉलो करके देखिए टिप्स को, ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। और इतना अच्छा अच्छा टिप्स देने के लिए प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन है, इसीलिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए, बहुत रात हो चुकी है, टाइम बज रहा है अभी 1:30 रात के, ठीक है। तो अभी मैं जाने जा रही हूँ सोने, जस्ट वीडियो बनाने के लिए मुझे इतना रात तक जगना पड़ा क्योंकि आज है सैटरडे, कल वीडियो पोस्ट करूँगी संडे को, नहीं तो आज अगर नहीं बनाते फिर लेट हो जाता है, टाइम का थोड़ा सा शेड्यूल मेरा गड़बड़ हो जाता है, सेट नहीं हो पा रहा है। कोशिश कर रही हूँ टाइम सेट करने के लिए, और कोशिश कर रही हूँ कम से कम वीक में मेरे इस हिंदी चैनल में वीक में 2 वीडियो देने के लिए कोशिश कर रही हूँ हिंदी चैनल में। और मेरा जो बंगाली चैनल है स्वर्णाली खवास, जो डेली लाइफस्टाइल मैं देती हूँ, उसमें भी मैं कोशिश कर रही हूँ डेली। तो ये शेड्यूल को मुझे, एक कंसेप्ट को मुझे रेगुलर रखना है, जो इस चैनल में हिंदी चैनल में 2 एंड बंगाली चैनल में डेली देने का एक मन है, बट टाइम की वजह से नहीं होता है, पर मैं कोशिश कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए ताकि मुझे मोटिवेट मिले और आप सबके लिए मैं वीडियो बनाऊं। तो चलिए मिलते हैं, आप सबके लिए एक और एक अच्छा सा कंटेंट लेके आती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।